पर क्या हर बच्चा इस देश का 1500 का फॉर्म खरीद सकता है? उसके बाद क्या उसके पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, क्या वो सारे फॉर्म्स को ट्रैक कर सकता है? अगर कोई लेबर का बच्चा है तो कैसे दो दो जगह फीस दे पाएगा वो यूनिवर्सिटी में और एनटीओ का भी? ये एक विभाजनकारी नीति है जिससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर किया जा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी से दूर किया जा रहा है। ये तो गलत है, वो किसी में एक स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से स्टूडेंटों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नुकसान होगा उनका ही। इसमें जो 4 साल का मतलब ग्रेजुएशन करने की जो बात कर रहे हो तो कोई हित की बात नहीं है। आप वहाँ पर रोजगार नहीं दे रहे हो पर आप 4 साल का जो कह रहे हो कि हम इंटर्नशिप देंगे, वो ऑप्शन ही तो नहीं है ना। रोजगार आप देख रहे हो हर जगह भर्ती नहीं हो पा रही है, सरकार क्या गारंटी दे रही है कि मतलब रोजगार ही है इस मार्केट में? पेपर तो लीक होती जा रही है ना हर जगह, आप देख रहे हो ना। अगर ये बीपीएससी जैसे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में और यहाँ आप देख सकते हैं लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेके ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्यों ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द एनईपी 2020। क्या हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से सेंट्रल एजुकेशन, जिस तरह से लगातार, जिस तरह से सरकार कोविड में 19 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई उसको लेकर हम लगातार इस पे प्रोटेस्ट में। सबसे पहले हमने 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पीओ में सबमिट करा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस। इस देश भर में पूरे जगह हर कहीं भी इन्होंने ना डिस्कस करा, ना कुछ करा, ना आम लोगों से बातचीत करी, ना एजुकेशन से बात करी। इसको लेकर हमारा लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इससे तो लोगों को फायदा ही हो रहा है ना, उनके हित में आया है बच्चों के। इसमें जो 4 साल का मतलब ग्रेजुएशन करने की जो बात कर रही हो तो कोई हित की बात नहीं है। आप वहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे हो पर आप 4 साल का जो कह रहे हो कि हम इंटर्नशिप देंगे। 4 साल पढ़ेंगे तो नुकसान ही क्या, फायदा ही होगा, लोगों को जानकारी है। बिल्कुल, और नुकसान तो ये भी है कि उसमें मतलब अलग एग्जिट और एंट्री है। जिस तरह से वो अगर स्टूडेंट साइंस का बच्चा तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, ज्योग्राफी भी ले पाएगा। ये तो गलत है, वो किसी में एक स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से स्टूडेंटों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नुकसान होगा उनका ही करियर को लेकर। किसी भी एक सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है आप लोग सीयूईटी का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सीयूईटी का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सीयूईटी का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत सारे गांव में एक लग सिटी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, ऐसे ऐसे बिहार जैसे एरिया है वहाँ पे टेक्नोलॉजी बच्चे कंप्यूटर के बारे में ही नहीं जानते, तो लोग कैसे मतलब एजुकेशन में आएंगे? इस शहर का हर साल रवैया रहा है, शुरुआत करेंगे तभी तो जानेंगे ना। वो तो बिल्कुल, वहाँ आप बात समझ सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बोला भी ना पहले कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वहाँ पे, तो कैसे स्टूडेंट वहाँ पे एक्सेस करेंगे इस चीज़ को लेकर? तो यही हमारा डिमांड है, सबसे पहले एजुकेशन की पॉलिसी में देश भर में चर्चा विर्चा हो और जो हमारे प्रोफेसर है उनसे बातचीत हो रहा है उसको लेकर लगातार और कंडक्ट करना चाहिए। तरीके से आप लोग सीयूईटी का विरोध कर रहे हैं तो इनको जो फायदा ही है ना, जैसे जो लोग 12वीं पास करके अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं वो लोग सीयूईटी में अच्छे मार्क्स ला के आगे अपना अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। और फैक्टर है कि वहाँ पे फीस का जो है एनटीए फीस क्या 1200 या 1500 चार्ज करती है और फिर यूनिवर्सिटी भी चार्ज करती है, ये तो गलत है ना। अगर कोई लेबर का बच्चा है तो कैसे दो दो जगह फीस दे पाएगा वो यूनिवर्सिटी में और एनटीओ का भी? इस पर भी तो आपको बात करनी चाहिए ना। इस पर भी गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए तो इतना करना ही पड़ता है, वो तो आप दे ही सकते लॉजिक पढ़ाई के, मतलब एक तबका ऐसा भी है जो एजुकेशन नहीं पे रहा है ना। एजुकेशन लोन भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब वहाँ फिर कैसे मतलब उनको पूर्ति कैसे करेंगे? ये भी तो क्या, जैसे कि आर्ट्स का स्टूडेंट है, बच्चा पढ़ेगा करियर बनेगा तो अपने आप पता चला। हाँ वो तो वो ऑप्शन ही तो नहीं है ना। रोजगार आप देख रहे हो हर जगह भर्ती नहीं हो पा रही है, पेपर लीक होता जा रहा है तो रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दिला रही है, पेपर तो लीक होती जा रही है ना हर जगह, आप देख रहे हो ना। अगर ये बीपीएससी जैसे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं तो आप क्या गारंटी कह रहे हो? सरकार क्या गारंटी दे रही है कि मतलब रोजगार ही है इस मार्केट में? जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि सीयूईटी रद्द करो, मैं क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं लोग यहाँ पे सीयूईटी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख ही रहे हैं लोग सीयूईटी का विरोध कर रहे हैं, बोलेंगे सर क्यों विरोध कर रहे हैं सीयूईटी का? ये एक विभाजनकारी नीति है जिससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर किया जा रहा है,
अच्छी यूनिवर्सिटीज से दूर किया जा रहा है, सीटों की कमी है। कहाँ दूर किया जा रहा है, ये जो CUET आया है इससे तो और फायदा है ना, एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएं और अच्छा कॉलेज चुनें। पर क्या हर बच्चा इस देश का 1500 का फॉर्म खरीद सकता है? उसके बाद क्या उसके पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, क्या वो सारे फॉर्म्स को ट्रैक कर सकता है? जब आप एक बार शुरुआत करेंगे तभी तो आएगा ना, तभी तो सीखेंगे फोन्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो क्या वो जिम्मेदारी सरकार की है या आम स्टूडेंट्स की है? एजुकेशन लोन ले सकते हैं। क्या एजुकेशन लोन्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो कम है? क्या हर इंसान वो लोन ले सकता है? रोजगार मिलेगा, हम एजुकेशन लोन लेंगे तब जाके चुका देंगे वो। तो क्या रोजगार इस देश में मिल रहा है? मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको नहीं लग रहा है मिल रहा है? हमें तो नहीं मिला। तो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि CUET वापस लो और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वापस लो, उसी को लेकर ये धरना दे रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं नूरजहां, जनित आवाज़।